नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का रिजल्ट निकल चुका है और हमारे जिले के एक और लाल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपने विजिलेंस डीएसपी का रैंक आपको मिला है। आप जिले के गोरिया कोठी प्रखंड के सैदपुरा गांव के रहने वाले हैं। आपका नाम अरुणोदय पांडे है और हमारे साथ आपके साथ ठीक आपके बगल में आपके पिताजी दिनेश कुमार पांडे जी हैं। तो सबसे पहले अरुणोदय जी से हम पूछेंगे कि आप ये बताइए कि इस एग्जाम के बारे में आपके दिमाग में सबसे पहली बात कब आया विचार? सर, इसके बारे में मेरा जो पहला विचार आया जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मेरे गांव में एक हादसा हुआ। एक्चुअली एक बार मुसाटोली गांव में है, आग लग गया, तो अमृतलाल मीणा जी वहां समय जो थे वो आए हुए थे किसी काम के संबंध में। तो सर, उनसे देख के मुझे प्रेरणा मिली। साथ में एक बार और आगजनी हुआ था, कोई एडीएम थे वो हमारे आए हुए थे, तो मैंने जब उनको देखा कि एक आम आदमी के लिए वो कितना कारगर सिद्ध हो सकते हैं, कितना काम करते हैं लोग, तो उनको देख के प्रेरणा मिली। बाकी जब मैं केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा में मेरा जो पोस्टिंग था, तो वहां पे हमारे चेयरमैन डिप्टी डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, तो उनके संपर्क में जब मैं आया तो मुझसे उनसे काफी सीखने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे काफी हेल्प भी किया। अरुणोदय जी, ये बताइए कि एक छोटे से गांव से निकल के आप बिहार की प्रशासनिक सेवा के उच्च पद पर आप जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? सर, बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। अंदर से काफी खुशी हो रही है कि मैं एक आम परिवार से बिलोंग करके एक गांव के पृष्ठभूमि से शुरू करके अपना जो करियर शुरू किया और आज बीपीएससी में एक विश्व रैंक लाया और डीएसपी विजिलेंस को मैंने अप किया और उस विभाग में मेरा पहला स्थान है। सर, उन्नति जी, इसका ये सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? सर, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे मम्मी और मेरे पापा को है और मैं ठीक बाद में मेरे सर और जो मैडम बैठे हुए हैं, मैं बता दूं कि ये मेरे माता पिता से कहीं बढ़ के हैं, क्योंकि 6 साल तक मैंने इनके साथ रहा है और साथ में रखे कि जीवन का शैली और जीवन कैसे गुजार करना चाहिए एक अच्छे आदमी की तरह, और जीवन जो परिवर्तन लाया इनका बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। सर, उन्होंने जी, ये जो आपने जो परीक्षा अभी पास की है बीपीएससी, इससे पहले आप कौन कौन से जॉब में थे, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सर, एक्चुअली इसके पहले मैं शुरुआत अपने करियर एज ए शिक्षा मंत्री शुरू किया था, उसके बाद से मैंने मध्य विद्यालय पकड़ी में एक नगर शिक्षक के रूप में मैंने कार्यरत रहा 2010 तक। 2010 से लेकर के 2012 तक मैं कार्यरत रहा उच्च विद्यालय लरोई हाई स्कूल में एज ए टीचर के रूप में। फिर 2012 में मार्च महीने में मेरा पोस्टिंग हुआ केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा झारखंड में, मैं वहां 2.5 साल तक काम किया। 2014 में मेरा ट्रांसफर हो गया केंद्रीय विद्यालय कोरापुट उड़ीसा में, मैं वहां 4 महीने तक लगभग काम किया। और फिर नवंबर 2014 में मेरा ट्रांसफर हुआ केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना में, तब से लेकर आज तक मैं वहीं कार्यरत हूं। बीपीएससी में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर, मेरे विषय जो है इकोनॉमिक्स और एडएसडब्ल्यू है। आपसे और सवाल पूछेंगे, लेकिन एक सवाल आपके पिताजी से। पिताजी, आप ये बताइए कि आपको क्या भरोसा था कि मेरा बेटा बीपीएससी में प्रथम स्थान आएगा? इसके लगन और मेहनत को देखकर मुझे पूरा विश्वास था कि आज से, इस साल से अगले साल तक जरूर निकाल लेगा। इनकी पढ़ने की शैली या इनकी जीवन शैली या इनका जो दिनचर्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। पढ़ने की शैली बहुत होनहार, शुरू से ही विद्यार्थी रहा है और आज तक रुपए के लिए, पैसे के लिए हमसे कोई ये नहीं कहा कि पापा इतना रुपया चाहिए, उतना रुपया चाहिए। हम यही कहते थे कि तुम जितना चाहोगे उतना रुपया देंगे, लेकिन तुम अपना काम करो। और इसने थोड़े पैसा, थोड़े ही हमारे से इसने सफलता प्राप्त कर ली। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आप एक पिता के रूप में इन्हें क्या आशीर्वाद देंगे? हम यही आशीर्वाद देंगे कि इसका ये इस सफलता के अंतिम श्रेणी तक अपना चढ़ते जाए और इस जिले का और इस हमारे गांव का नाम रोशन करें। अनुदय जी, आपने इकोनॉमिक्स रखा और एलएसडब्ल्यू रखा। एलएसडब्ल्यू काफी लोकप्रिय सब्जेक्ट है बिहार में, ऐसा क्यों? सर, जहां तक मेरा पर्सनल विचार इस संबंध में कि एक तो है कि उनके संबंध में कि उनका सिलेबस थोड़ा छोटा है, दूसरा है कि जो कंटेंट है फर्स्ट पेपर का वो फिक्स है कि जो भी हमारे एक फर्स्ट में जो पढ़ने हैं उसमें अमेंडमेंट जल्दी होते नहीं है। तो एक बार जो पढ़ लिए उसमें मटेरियल तैयार कर लिए, वो मटेरियल बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं यदि कोई अमेंडमेंट होता है उसको ऐड करके।
सेकंड पेपर में सर जो सोशल सिक्योरिटी है और सोशल प्रॉब्लम है सर, सोशल प्रॉब्लम में जो भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो भी स्कीम आ रहे हैं उसको अपडेट करते हैं, बाकी एज यूजुअल रहता है। यदि कोई हल्का फुल्का बदलाव है तो ऐड कर लेते हैं, तो उसमें लिखना आसान है और उसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान है, और व्यक्ति के आम जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है इसलिए उसको सर अंडरस्टूड करना काफी इजी है। क्या आप मानते हैं कि LSW में के सिलेबस में अब बदलाव होना चाहिए? सर बिल्कुल, आज जैसे 1991 के बाद से जब भूमंडलीकरण का युग आया है तो तमाम से MNC हमारे देश में आ रहे हैं, और भारत सरकार का विचार है कि हमारे यहाँ कैसे जो है FDI का बढ़ोतरी हो, तो हमारे लेबर के जो कंडीशन है और लेबर जो एक्ट है उसमें वो सुधार के लिए लगातार मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में देखते हुए सर हमको हमारे विचार है कि जो एक्ट आज से काफी साल पहले हो गए बने हुए हैं उसमें अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए सर। आपका एक विषय इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की कुछ बुक्स का नाम बताएंगे? सर अर्थशास्त्र चूंकि मैंने उसमें NIT क्वालिफाई किया है सर, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स सर। आपने इस परीक्षा को पास करने के लिए कहीं कोचिंग वगैरह लिया या इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह लिया? सर एक्चुअली अपने विषय के संबंध में मैंने आज तक किसी कोई कोचिंग नहीं किया और जिसके मैंने कोचिंग नहीं किया। हाँ इसमें LSW में मैं जब मैं पहली बार 2013 में जब दिया था इंटरव्यू तो उसमें मैं अपने खुद ग्रोथ किया। इस बार जब मैं पटना पोस्टिंग हुआ तो मैं केवल एक सप्ताह के लिए 6-7 दिन मैंने क्लास लिया था पास नाथ सर से, उनके क्लास में पढ़ा, और स्टेटिक्स LK झा सर से पढ़ा मैंने, और बाकी जितने पढ़ाई सर सिर्फ अपने डिपेंडेंट होकर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछली बार एक नंबर से आपका जो मतलब होने से रह गया था, आपको इंटरव्यू में कम नंबर आए, तो इस बार आप इंटरव्यू को लेकर काफी ज्यादा नर्वस तो नहीं थे? सर बिल्कुल नहीं, पिछली बार जब मैं दिया था तो लास्ट टाइम मेरा श्री शाहनवाज सर खान के बोर्ड में था, मेरा इंटरव्यू था सर, तो पिछली बार मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिक वर्ड इंग्लिश पूछे गए जिससे को मैं एक्सप्लेन शायद मैं सही नहीं कर पाया और मेरी इनसे कहीं कहीं कमी रह गई थी सर। लेकिन इस बार मैंने प्रयास किया कि जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं सबको कवर किया जाए, और इस पर बिल्कुल कोई झिझक नहीं था, और मैं 2-3 मॉक कोचिंग ज्वाइन किया था सर, तो जितनी भी अंदर से जो झिझक होती है सभी वो खत्म हो गए सर। अच्छा, आपके इंटरव्यू बोर्ड में कोई दिलचस्प सवाल जो आपको याद हो? सर मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मुद्रास्फीति क्या है, और उन्होंने मुझे पहले कंडीशन बताया कि आप हमको एक लेमन की भाषा बताइए कि मैं आराम से समझ पाऊं, कोई समझ जाए, तो फिर भी मैं इकोनॉमिक्स जा चुकी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरा विचार था कि मैंने फिर वही बताया इकोनॉमिक परिभाषा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं जाना चाहता हूं कि आप मुझे आम आदमी भाषा में बताइए। मैंने कहा सर कि महंगाई का बढ़ जाना, तो जितने मेंबर थे उसको ठहर के हंसना शुरू कर दिए, तो मुझे काफी अच्छा लगा। अपने सिवान जिला के ऊपर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया? सर अपने व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बारे में कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता सर। आपसे एक दो सवाल और करेंगे, आपसे मैडम से एक दो सवाल करते हैं। मैडम ये आपके साथ बहुत दिनों तक सहायक शिक्षक के रूप में काम किए हैं, कैसा इनका काम करने का स्कूल में ढंग था? इनके काम करने का ढंग बहुत सराहनीय था। जब ये आए पहली बार तो हमारे विद्यालय में 4 वो शिक्षक आए थे, 5वें ये वो जेंट्स है, तो इनको देख के हमको बहुत खुशी कि चलो यंग लड़का है ज्यादा मेहनत करेगा, और पूछे कि क्या पढ़ाइएगा, गणित पढ़ाइएगा तो कहेगा, तो इनसे हम बहुत प्रभावित हुए कि चलो कम से कम मैथ तो पढ़ाएंगे। उसके बाद ये उदास रहते थे टाइम टेबल को लेकर, तो हम पूछे इनसे तो ये कहे जो मैडम हम पढ़ना चाहते लेकिन हमको समय नहीं मिलता, इसे हम सिवान में रहना चाहते हैं, जरा खोल दीजिए। हमें उनके वो कमरा दिखाए, हमारे हस्बैंड भी दिखाए, उनको पसंद नहीं है, तो हस्बैंड कहे कि क्या करना है, हमारे ही घर रहे, तो ये अपने पिताजी से पूछ के तो जितना दिन रहे एकदम हमारे छोटे भाई जैसा है, और अपने भाई में इनमें हमको कोई फर्क नहीं। बड़ा ही भावुक आपने बात कहा कि मतलब एक सहायक शिक्षक के रूप में आपसे पहली बार ये मिले और जो है एक भाई के रूप में आपके साथ ये रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मैडम ये जो इनकी जो जीवन शैली थी या ये जो दिन भर जो पढ़ाई लिखाई करते थे या इनका जो रूटीन था वो कैसा था, उससे देखकर आपको क्या लगता था? ये जो थे विद्यालय में भी एकदम टाइम टेबल से पढ़ाते थे, इसके बाद कोचिंग भी करते थे, घर पर भी आते थे तो अपना पढ़ते थे,
और अगर हमारा कोई काम है घर में काम, मैं भी नौकरी करती हूँ, तो उसमें बिना झिझक मदद करते थे और हमारे हस्बैंड का भी मदद करते थे। इनको भी कोई फीलिंग नहीं था ये हम थे, हमको भी नहीं, एकदम परिवार जैसे। ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं कि किसी को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया। अनुदय सर, आपसे एक सवाल पूछते हैं। बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है और बिहार की भूमि काफी समृद्ध है, बिहार के लोग काफी गरीब हैं, बिहार का प्रशासन बाहर बहुत खराब है। आप एक प्रशासनिक सेवा, आप एक पुलिस सेवा में, विजिलेंस में डीएसपी होने जा रहे हैं, आपके जीवन में क्या लक्ष्य है इसको लेकर? सर, मेरा पहला लक्ष्य है कि हमारे जो समाज है, हमारा सिस्टम, उसको भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए कि ताकि किसी भी आम पब्लिक को अपने किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और किसी लेवल से किसी को ब्राइब देने का नौबत नहीं आए। सर, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आप जो है ये, आप जिस पद पे जा रहे हैं उस पद पे सबसे ज्यादा शिकंजा राजनीतिज्ञों का रहेगा आपकी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके, और बड़ा मुश्किल होता है काम करना, इससे आप कैसे निपटते हैं? सर, इसके पहले में जब मैं रहा महज 6 साल के अंदर में तीसरा मेरा ट्रांसफर हो चुका है सर, तो मैं ट्रांसफर के लिए कोई बिल्कुल परवाह नहीं करता। जो भी विधि से मत करवाई होगी, जो भी कानून कहेगा सर, उसका हम लोग पालन करेंगे, उसी के दिन काम करेंगे। एक बात आप और बताइए, जो आपके गांव के लड़के हैं या हमारे सिवान जिले के जो लड़के हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या करेंगे? सर, मेरा कहना यह है कि आपके सफलता के मार्ग में आपकी पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती है और गरीबी कोई मायने नहीं रखती है। सर, जो कि मैं किसान का बेटा हूँ, गरीबी मैंने काफी अपने करीब से देखा है। तो सर, अगर लगन हो और तैयारी अगर सही ढंग से किया जाए सर, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इस दौरान मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी हमारा नया स्टूडेंट जो इस सेवा में आना चाहता है, तो उसको एनसीईआरटी को अपना बेस्ट बनाना होगा, 6-12 एनसीईआरटी सोशल साइंस की जितनी बुकें हैं वो, और 6-10 साइंस की बुकें, उसको बेस्ट बनाकर पढ़ा जाए। और बाकी आगे चल के जो भी किताब हमारे मार्केट में अच्छे अच्छे राइटर के हैं, उनका यदि अध्ययन किया जाए और क्रमिक अध्ययन किया जाए सर, तो बिल्कुल सफलता सुनिश्चित है। अनुदय जी, आप ये बताइए, अब तो आपने बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली है, आप रिजेंस डीएसपी बन गए हैं, उस समय के बाद आप ट्रेनिंग पे जाने वाले, लेकिन आगे आपका क्या इरादा है? सर, मेरा इरादा है कि एक चांस और लिया जाए, अभी आसमान थोड़ी बाकी है, थोड़ा सा एक उछाल और लेने की मेरा एक्चुअली ख्वाहिश था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं सर। तो मेरा ये, जब मैंने इंटरव्यू दिया और मैच दिया, तो मैं पापा से पहले बोला था पापा मेरा कहीं ना कहीं होगा, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, फिर मुझे विश्वास था कि 100 के आसपास मेरा रैंक रहेगा सर। लेकिन जब 120 आया रैंक, तो मैंने जानबूझ के अपना सेकंड ऑप्शन जो है मैंने बिजनेस डीएसपी दे रखा था, जो से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे विभाग मुझे अलॉट हुआ और पहला नाम उसमें मेरा ही है। अभी मेरे अंदर थोड़ी ख्वाहिश बाकी है सर कि एक बार उछाल लिया जाए और प्रशासनिक सेवा में आ जाए सर। एक बार मतलब यूपीएससी दिया जाए, यूपीएससी दिया जाए या बीपीएससी में एक बार इम्प्रूव किया जाए? सर, मेरे विचार से बीपीएससी में इम्प्रूव किया जाए डिप्टी कलेक्टर या एसडीओ के लिए। अनुदय जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम कहेंगे, आप जीवन में आगे अपने माता पिता और मैडम सर के लिए क्या सोचते हैं? सर, सोचते हैं कि हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे माता पिता से मैं उत्पन्न हुआ, और दूसरा कि ऐसे लोगों का संगत मिला कि जहां मैं उसमें मेरा विचार मंदिर में कुछ मन में कुछ निगेटिव आते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में ध्यान देता था, लेकिन सुबह वहां 8 बजे घर से चलना, फिर यहाँ जाते जाते घर शाम के 6 बजे जाते थे, टाइम इतना नहीं मिल पाता था कि मैं पढ़ पाऊँ, और मैंने ख्वाहिश थी क्योंकि पढ़ाकू आज भी हूँ और पढ़ता रहता हूँ। लेकिन ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले, सेकेंड फादर्स और मदर कहा जाए, जिन्होंने मुझे ऐसा अपने यहाँ आश्रय दिया, स्पष्ट में मैं कहूँ कि, और मुझे काफी केयर किया, कोई दिक्कत का कमी नहीं होने दिया, जिसके बाद एक मैं शिक्षक से अपना करियर शुरू करके और केंद्रीय विद्यालय होते हुए आज विजिलेंस डीएसपी के पद पर सर मेरा नाम आया, तो इसे बड़ा कुछ मेरे नहीं हो सकता सर। अनुदय जी के सफलता में सर आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अनुदय जी को आप कैसे देखते थे और इनकी सफलता को लेकर आप कितना आशान्वित थे? देखिए, इतना में हम तो टीचर हैं, 30 साल से सेवा कर रहे हैं, और मैंने बहुत छात्रों को देखा है, लेकिन इतना मेहनती और लगनशील ओबीडियंट छात्र मैंने आज तक हमने 30 साल के जीवन में नहीं देखा, और निस्वार्थ भाव से मैं यही कामना करता हूं कि ये बहुत आगे जाए, क्योंकि हम लोग को कोई संतान नहीं, इनको अपना संतान मानते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत आगे बढ़े और
आगे बढ़ते जाए यही मेरी इनके साथ दुआ है और बाकी सब ठीक। धन्यवाद अरुण सर, पिताजी और मैडम और सर। श्री नारद मीडिया टीम के लिए भी आज गर्व का विषय है कि हम एक सिवान के ऐसे लाल का आज साक्षात्कार कर रहे हैं, और साथ ही श्री नारद मीडिया टीम आपको अग्रिम बधाई देती है कि आप एक बार जरूर यूपीएससी की परीक्षा दें और प्रशासनिक सेवा में आप बिहार ही नहीं पूरे देश की सेवा करें और अपने सैदपुरा से लेके पूरे विश्व में आप परचम लहराएं। आपको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।